हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन पे पूछा है क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो 923 का रिलेशन 20 से होगा, सेम वही रिलेशन 682 का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 9 और प्लस 2 मीन्स पहले के दो डिजिट को जोड़ लें और फिर इसके बाद ये जो थर्ड डिजिट है इसका स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 9, मीन्स हमको 20 मिल जा रहा है। अब सेम यही चीज़ यहाँ पे कर देंगे, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 4 मीन्स 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 82 का जो रिलेशन 36 के हैं, तो 74 का क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। तो यहाँ हम लोग रिलेशन देखेंगे 82 का 36 से क्या हो सकता है। तो 82 का अगर हम दोनों डिजिट को माइनस कर दें तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करें तो 36 मिल जाता है। अब सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, मीन्स और 9 ऑप्शन में है, मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब दूसरा हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर हाँ अगर हमको 672 से 44 बनाना है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इन दोनों डिजिट को 6 7 42 हो गया, ठीक है, और लास्ट डिजिट को ऐड कर दें तो हमारे पास 44 मिल जा रहा है। अब सेम यही चीज़ यहाँ करते हैं, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो गया। अब 12 में इस लास्ट डिजिट को ऐड कर देते हैं तो ये 19 हो गया, और 19 ऑप्शन में है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। अब ये क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।